हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन से आपके एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के भी आइटम्स आएंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू अ पार्टनर। और हमेशा याद रखिएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक ऐसी चीज होता है जो कि कंपलसरी पेमेंट होता है, यानी चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस, आपको देना ही देना है। मगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स के डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तभी दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता है, जब तक कि कोई स्पेशल उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन ना दिया हो। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू अ पार्टनर, ये तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट्स होते हैं यूजुअली। नाउ सी द क्वेश्चन इज A and B entered into partnership on 1st April 2019। हमेशा एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, appropriation of profit बाद में होता है जब profit आ जाता है। Charge against profit PL account के debit में जाता है, और charge against profit revenue में से minus किया जाता है साल का net profit या loss निकालने के लिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। A and B entered into partnership on 1st April 2019 without any partnership deed. कोई partnership deed नहीं है। On 31st October A ने firm को loan दिया है 2 lakh का without any agreement to interest. कोई agreement नहीं है interest related. हमेशा याद रखिएगा, जब interest से related कोई agreement नहीं है तो 6% पर annum मिलता है, और partners के बीच में profits equally distribute होते हैं क्योंकि यहाँ partnership deed नहीं है। प्रीवियस वीडियो में आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 शोड अ प्रॉफिट ऑफ 4,30,000, बट पार्टनर कुड नॉट अग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनर अग्री नहीं हो पाए कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर के लोन पे, तो 6% होगा। एंड द बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ प्रॉफिट, बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिसाइडेड नहीं है, तो इक्वली होगा 1:1। प्रिपेयर Profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020. Now see, ऐसे केसेस में हम पहले PL account बनाते हैं charge against profit को show करने के लिए। Now see, profit and loss account for the year ended 31st March 2020. ये हम इसलिए बना रहे हैं profit and loss account क्योंकि यहाँ पर charge against profit भी है, यानी interest on partners loan। एक option ये भी होता है PL appropriation के अंदर भी इसको show कर सकते हैं, मगर मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले इस तरीके को देख लीजिए। बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कितना प्रॉफिट है स्टूडेंट्स? 4,30,000। 4,30,000 इज द प्रॉफिट। पार्टनर ने लोन 31st अक्टूबर को दिया है, तो जो टाइम होगा वो चार्ज होगा आपका नवंबर से लेके या काउंट होगा मार्च तक। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 months इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू चार्ज ऑन लोन। सी हाउ इंटरेस्ट ऑन लोन 2 lakh, जब कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता, देन द रेट इज 6%, 6/100 इंटू 5/12। 12 पूरे साल के नंबर ऑफ मंथ्स है, और जितने मंथ्स के लिए लगा रहे हैं दैट इज 5 months। सो आंसर इज 5,000। 4,30,000 में से 5,000 गया और कितना आया? 4,25,000, यानी हमने 4,30,000 में से 5,000 डिडक्ट कर दिया। टू इंटरेस्ट ऑन इज लोन, 5,000 जैसे ही डिडक्ट किया, जो PL appropriation account में profit transfer होगा उसका amount आ गया 4,25,000। To profit transfer to PL appropriation account 4,30,000, 4,30,000. Now we will make profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020. By profit and loss account देखिए cross transfer हो गया 4,25,000, और कोई भी appropriation है नहीं, अगर होता भी तो भी हम नहीं देते क्योंकि partnership में या partners के बीच में कोई भी partnership deed नहीं है। डायरेक्टली हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वली, दैट इज 1:1 में 2,12,500, 2,12,500, दैट विल कम टू 4,25,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, 4,25,000 में से आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स में इक्वली, दैट इज 2,12,500, 2,12,500। इक्वली का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1:1 के रेशियो में। कोई भी एप्रोप्रिएशन हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। बच्चे सोच रहे होंगे हमने पीएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पर क्यों बनाया, इसलिए बनाया है ताकि इस 4,25,000 को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसको शो करने के लिए। आखिरी में हम लोग टोटल लिख लेंगे दोनों कॉलम का, दैट इज 4,25,000,
25,000। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में दिया होता कि पार्टनर को इतना इंटरेस्ट दीजिए, कैपिटल पे सैलरी दीजिए, कमीशन दीजिए, तब भी हम नहीं शो करते, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब डीड नहीं होती है तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था प्रोविजन एप्लीकेबल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वही लगा है यहाँ पर। सिर्फ दो चीज होती है, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलता है, वो यहाँ पर हुआ है। Now see, we'll go to our next question, question number 8. A and B are partners sharing profits equally. Business is being carried from the property of A on a rent, yearly rent of rupees 24,000. A और B partners हैं, equally profit share कर रहे हैं. Business A की property से चल रहा है, जिसके लिए A rent charge कर रहा है 24,000 annually. A is to get salary of 1,20,000 per annum. A को salary मिल रही, अब देखिए ये salary appropriation of profit है, मगर ये जो rent है 24,000, this is charge against profit. It has to be paid. And B is to get commission of 5% of net sale. B को commission दिया जा रहा है, आगे question में पढ़ेंगे, net sale 30 lakh की है, जिसका 5% B को commission मिल रहा है. Profit for the year ended 31st March 2019 before providing for rent was 5 lakh. Profit, rent, अभी हमने दिया नहीं है, उसके पहले प्रॉफिट कितना है साल के अंत में स्टूडेंट्स 5 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन 31st मार्च 2019 को जो ईयर एंड हो रहा है उसका हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सो अगेन फर्स्ट वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। प्रॉफिट इज 5 लाख, बाय प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स रेंट, जैसे मैं यहाँ पे लिखा था बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स रेंट। याद रखिएगा ये पीएल अकाउंट है, इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर होगा पीएल अप्रोप्रिएशन में। टू रेंट टू ए, रेंट कितना दिया गया ए को 24,000, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट डिविजन ऑफ प्रॉफिट, इट इज कंपल्सरी पेमेंट, इट हैज टू बी पेड, वेदर फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो इसको देने से या इससे पहले, इससे कोई मतलब नहीं है। 5 लाख में से 24,000 गया, बचा 4,76,000, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक वैसे ही जैसे हमने यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर किया था पीएल एप्रो में, यहाँ पर भी ट्रांसफर कर देंगे स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, मैंने फिगर्स यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि अब तक आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट थोड़ा बहुत आ गया है, एंड जस्ट टू सेव टाइम आई हैव रिटन इन एडवांस द फिगर्स हियर। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्रॉस ट्रांसफर किया, यहां पे लिखा था कि प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जा रहा है पीएल अप्रो में, हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट को। नाउ सी जो अप्रोप्रिएशन है आप उसको लिख लेंगे, टू ए सैलरी 1,20,000 दैट इज एनुअल, बी का कमीशन है 1,50,000, कमीशन कैसे आया स्टूडेंट्स देखिए 30 लाख इज द सेल्स अमाउंट और इसी पे 5% कमीशन मिलना है, 30 लाख इंटू 5/100 दैट इज इक्वलेंट टू 1,50,000, सो बी का कमीशन हो गया, टू बी कमीशन 1,50,000। एट लास्ट आई हैव टोल्ड यू क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करते हैं, और क्रेडिट साइड के टोटल में से हम डेबिट साइड माइनस करते हैं ये देखने के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है वो आ रहा है। 4,76,000 में से 1,20,000 1,50,000 आपने माइनस कर दिया, आपका प्रॉफिट आ गया 2,06,000 और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, इक्वली यानी दो पार्टनर है तो 1:1, 2,06,000 इंटू 1/2, 2,06,000 इंटू 1/2, दोनों का आंसर आएगा 1,03,000, 1,03,000 एंड द टोटल ऑफ बोथ द कॉलम 4,76,000, 4,76,000। सो दिस इज हाउ वी डील विद दोस क्वेश्चंस वेयर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज रेंट पेड टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए हैं, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, इससे आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जब अप्रोप्रिएशन नहीं दिया होता कोई तब हम कैसे करते हैं, अगर अप्रोप्रिएशन दिया हुआ तो हम कैसे करते हैं। इन क्वेश्चन को उतार के इनको एक बार डीपली और थरोली पढ़िएगा और खुद से सॉल्व जरूर करिएगा, कॉपी में जरूर क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में रहता है उसको नोट डाउन करके उसको खुद से बस सॉल्व करिए, सिर्फ वीडियो देखने से स्टूडेंट्स इट विल बी ऑफ नो बेनिफिट। Thank you.